वाटर, आपकी न्यू ईयर की पार्टी की तैयारी हो गई क्या? अरे विवान, वीरलोक में न्यू ईयर आने में तो अभी बहुत समय बाकी है। लेकिन वाटर, शादी में तो कुछ ही घंटे बाकी है ना। ये बताओ कि आप पार्टी में कौन से कपड़े पहनने वाले हो? क्यों, इन कपड़ों में क्या बुराई है? वैसे तो गुलाब जामुन भी खाने की चीज होती है और पाव भी, लेकिन पाव के बीच में कोई गुलाब जामुन रख के थोड़ी ना खाता है। मैच ही नहीं होता बटर। लेकिन विवान, आज तक हमने धरती पर न्यू ईयर नहीं मनाया और हमें कैसे पता होगी कि कैसे कपड़े, कैसे तैयारियां करनी चाहिए? बेकार नॉट बटर, देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। तो इस पार्टी की थीम है बॉलीवुड, तो इसलिए मैं तो छोटा सलमान बन रहा हूँ। और आप? हाँ, आप बड़ा सलमान बन जाना ना, सिर्फ। और आप बन जाना दीपिका, ऐश्वर्या, कटरीना, करीना और आलिया। फिल्मी दुनिया का पूरा माहौल जमा देंगे हम लोग। क्या हुआ पार्टनर, नए साल के पार्टी के मौके पर आपने ये पुरानी कैलेंडर जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? इस न्यू ईयर की पार्टी में मैं, तुम और भारत नगर के सारे लोग होंगे। ये अच्छा मौका होगा तिमनासा के लिए हम सबको परेशान करने का, इसलिए हम सबकी सुरक्षा करेंगे और पार्टी में नहीं आएंगे। नहीं 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 पार्टनर, फिर तो मैं भी नहीं आऊंगा। लेकिन विवान पार्टनर, बिना दोस्तों और परिवार के कैसी पार्टी? मेरा भी न्यू ईयर नहीं होगा, मैं भी नहीं जाऊंगा पार्टी में। ठीक है, लेकिन मैं सलमान भाई के कपड़े नहीं पहनूंगा। क्यों, मैंने कभी ना बोला है क्या कि मैं बालवीर वाले कपड़े नहीं पहनूंगा? एक तो उन कपड़ों में एक नंबर जाने में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। मैं सलमान भाई वाले कपड़े पहन लूंगा। यस, थैंक यू बटर, मिलते हैं पार्टी में, मुझे पार्टी की बहुत सारी तैयारी करनी है। सी यू। बालवीर, तुम विवान की बात क्यों मान गए? तिमनासा के डर से हम विवान के बचपने को खोने नहीं दे सकते। बिल्कुल सही, विवान बचपना ना करे और मस्ती परी मस्ती ना करे। ऐसा हो सकता है? चलो चलो, हम चलते हैं पार्टी के लिए ना, नए नए कपड़े ट्राई करते हैं। लेकिन परियो, उम्मीद करो कि नए साल की ये रात ऐसे ही हंसते मुस्कुराते गुजर जाए। बुराए चाहे कितने भी चेहरे क्यों ना बदल ले, अपने आप को छुपा नहीं सकती तिमनासा। छुपाना चाहता कौन है बालवीर? मैं तो धरती वासियों के इस समारोह में बिल्कुल उनकी ही तरह कपड़े पहनकर आई हूँ, जैसे तुमने पहने। तो इन धरती वासियों की तरह आज एक कसम भी खा लो, बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलूंगी। कसम तो मैं खाकर आई हूँ, कसम मैं ये खाकर आई हूँ बालवीर कि आज तुम्हारी नाक के नीचे से मैं विवान को अपने साथ काल लोक ले जाऊंगी और तुम हाथ मलते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसे कहते हैं खुली आंखों से सपने देखना, जो मेरे होते हुए पूरा नहीं हो सकता। लगता है फिल्मी नायकों के कपड़े पहनकर तुम भी खुद को हीरो समझने लगे हो। भूलना मत बालवीर कि तिमनासा हजारों लड़ाइयां हार के भी हार नहीं सकती, लेकिन अगर तुम एक लड़ाई भी चूक गए तो सब हार जाओगे। ठीक है तिमनासा, जो करना है कर लो, लेकिन एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, तुम चाहे कैसी भी कहानी शुरू कर लो, उस कहानी का अंत नहीं करूंगा। अरे वाह विवान, तू तो सलमान भाई से भी ज्यादा डैशिंग लग रहा है। हाँ विवान, कंपटीशन तो तू ही जीतने वाला है। थैंक यू गोकुशती, सलमान भाई के कपड़े
मेरी पर्सनालिटी पे एकदम सूट करते हैं, है ना? हाँ विवान, अभी थोड़ी देर में डांस कंपटीशन शुरू होने वाला है, मैं तो बहुत नर्वस हूँ। बेकार नॉट दीदी, ये डांस कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। चलो जीत तो लेना विवान, लेकिन पहले ये केक तो काट ले। चिंडी, ये कैसा प्लान है? अपने दुश्मन को केक खिला रही हो, वो भी कॉम्पिटिशन से पहले। आप पहले यहाँ पे विवान को लेके दो, फिर आपको पता चलेगा स्पेशल केक का स्पेशल कारनामा। ठीक है चिंटी। अरे तौबा तौबा, इस हट्टे कट्टे बच्चे के पास ये सफेद सफेद सी चीज क्या है? चीज नहीं, व्यंजन कहते इसे। व्यंजन? हाँ, केक कहते हैं पृथ्वीवासी से। इसे खाओगे तो बिना मरेगी, स्वर्ग का आनंद पाओगे। स्वर्ग का? वाह, तेरे किस बात की? चले 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 चलो, आजा आजा स्वर्ग आजा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं तुमने। अरे स्वर्ग, अरे ये मेरा केक है। तोबा तोबा, तूने तो कहा था कि स्वर्ग मिलेगा, अरे ये क्या मिला? खा इसको, खा। केक तो तुमने खा लिया, अब गोली खाओ। अरे तोबा तोबा, मरवा दिया रे। मारो। क्या हुआ बालवीर, तुमने हम सबको यहाँ अचानक से क्यों बुलवाया? तिमनासा यहाँ भारत नगर में आ चुकी है और विवान को साथ कल लोग ले जाना चाहती है। क्या बालवीर, फिर तो तुम्हें विवान पर अपना सुरक्षा कवच डाल देना चाहिए। वो रहा विवान। सुरक्षा कवच से होगा क्या? तो सुरक्षा कवच से तिमनासा विवान के शरीर को भारत नगर के बाहर नहीं ले जा पाएगी, लेकिन फिर भी हमें निश्चिंत नहीं होना चाहिए। पता नहीं तिमनासा इस बार कौन सी नई चाल सोच कर आई है। तुम चिंता मत करो बालवीर, हम सब चौकन्ना रहेंगे और विवान पर पूरी नजर रखेंगे। हाँ बालवीर। दोस्तों, मेरा न्यू ईयर संकल्प ये है कि मैं एक साथ दो बातें फिर से कभी नहीं बोलूंगा। अरे क्या बात है? कल्लूमल हलवाई से चार कचोरी में चेप के आया हूँ। नहीं नहीं, ये दोनों बातें अलग है। क्या करूँ, आदत से मजबूर जो हूँ। मैंने भी नए साल पर इरादा किया है कि मैं बिल्कुल कंजूसी नहीं करूंगा। दिवाली, अरे अभी इसमें थोड़ा सा जूस बाकी है। ये नहीं सुधरेंगे। मेरा संकल्प ये है कि मैं नए साल में हर महीने कम से कम चार शब्द अंग्रेजी में नए सीखूंगी। ये मेरा न्यू ईयर का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन नहीं, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन सॉल्यूशन मतलब की घोल, और रेजोल्यूशन मतलब संकल्प, है ना? अरे अरे बोलो, नहीं सुनो। मेरा भी एक संकल्प है कि इस साल ना मैं अपने विवान को थोड़ा कम डांटूंगी और ज्यादा प्यार करूंगी। और मेरा संकल्प ये है कि मैं किसी भी प्रश्न के जवाब में आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अरे घबराओ नहीं, पूछो पूछो। नए साल में पूछेंगे दादाजी, अभी तो रहने दीजिए। देवियों और सज्जनों और प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं PDKDC, बेस्ट ड्रेस्ड किड्स डांस कंपटीशन।
और इस कॉम्पिटिशन का फर्स्ट प्राइज है एक नहीं दो नहीं पूरे 5,000। अरे रतिलाल छेड़ा जी, इतना मत जोश में आइए। पहली बात तो ये कि ये बच्चों का डांस कॉम्पिटिशन है और इसमें तो आप जीत ही नहीं सकते। और दूसरी बात ये कि इसकी प्राइज मनी 5,000 रुपए मैंने वृद्धाश्रम में दान दे दिए। तालियां तालियां। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर साल की तरह इस बार भी न्यू ईयर पार्टी का पूरा खर्चा आपके प्यारे मुन्ना मिश्रा जी कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले मेरा शेर चिंटू डांस करेगा। बेस्ट ऑफ लक भैया। ठीक है चिंटू, चलो चलो। थैंक यू चिंटी। बहुत बढ़िया मेरा शेर। अब आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगा विवान को। तो इस कंपटीशन में सेकंड नंबर पे तो जरूर आएगा, है कि नहीं जजेस? हाँ भाई विवान आओ आओ, जल्दी आओ जल्दी बढ़ो। हाँ तालियां। वेल डन विवान, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था तेरा। ये ले हमारी तरफ से गिफ्ट, ले ले। इस गुब्बारे के अंदर तो कीचड़ है। क्या हुआ चिंटू चिंटी, कंपटीशन के रिजल्ट के पहले हार मान ली क्या तुम लोगों ने? ये कैसे हो गया? विवानी भैया, सुना था कीचड़ में से कमल खिलता, लेकिन इतनी जल्दी कैसे खिल गए? कहते हैं डरे हुए इंसान को रस्सी भी सांप दिखाई देती है, और इसी का फायदा अब मैं उठाऊंगी। देव जोशी। हाँ दादाजी। चलो ये बुड्ढा कहीं तो काम आया। क्या हुआ? क्या हुआ नहीं, क्या होने वाला है ये पूछो। हैप्पी न्यू ईयर होने वाला है। हाँ तुम्हें पता है भारत के कई अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोग अलग अलग समय पर नया साल मनाते हैं। हाँ। जैसे कि महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा, आसाम में बिहू, आंध्र प्रदेश में उगाड़ी। थैंक्स चंटू, नए साल की शुरुआत दोस्ती से ही होनी चाहिए। अचानक अंधेरा कैसे हो गया? नए वर्ष का प्रारंभ होने वाला है, काउंटडाउन शुरू हो गया है। बोलो 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी न्यू ईयर। विवान, विवान तुम ठीक तो हो ना? विवान क्या हुआ? अरे
पता नहीं करुणा जी, विवान लगता है थक गया है, हम इसे घर लेकर जाते हैं। विवान, विवान आंखें खोल बेटा, विवान क्या हुआ इसे? देव, मैं डॉक्टर को बुला के लेकर आती हूँ। जी हाँ। समझ नहीं आ रहा है तिमनासा ने विवान के साथ क्या किया है, क्योंकि विवान सिर्फ बेहोश हुआ है, उसकी सांसें और धड़कन बिल्कुल सही चल रही है। बालवीर, हमने बाहर सब जगह देख लिया, तिमनासा अपने साथियों के साथ जा चुकी है। लेकिन तिमनासा ने धमकी दी थी कि वो विवान को कालोक लेके जाएगी। तो फिर वो बिना कुछ किए लौट कैसे सकती है? मुझे भी शक है कि तिमनासा ने जरूर कोई चाल चली है, लेकिन क्या? देव भैया, चिंटू यहाँ आया था क्या? क्यों, चिंटू बाहर नहीं? नहीं, वो बाहर कहीं भी नहीं है, हमने उसे हर जगह ढूंढा और मिश्रा अंकल ने पुलिस को भी कॉल कर दिया है। विवान, तुझे क्या हुआ? विवान यहाँ बेहोश है और चिंटू अचानक गायब हो गया, इसका मतलब क्या हो सकता है?